मथुरा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मशाल रैली को जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मथुरा के पुलिस लाइन रोड पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस लाइन टैंक चौराहा होते हुए मथुरा के आधा दर्जन स्कूलों में छात्र छात्राओं के साथ रैली के परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ से आई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 टीम इंचार्ज प्रिंस तिवारी को और उनके साथ लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देकर ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रही है। स्थानीय स्तर पर खेल होंगे तो प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। रैली में विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की मशाल रैली में बीएसए कॉलेज के प्राचार्य ललित मोहन वाजपेयी, एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना और प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षक और स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को बढ़ावा देने के लिए मथुरा से जिला कलेक्ट्रेट से रैली को मतलब मशाल रैली निकाली जा रही है, जो कि केआर कॉलेज होते हुए बीएसए कॉलेज पर इसका समापन होना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में होने, जिसमें लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और बनारस इनमें होने। इनको युवा ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में आए, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इसको बढ़ावा देने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार हमारे प्रदेश में हो रहे हैं और उसकी मशाल हमारे जनपद मथुरा में आई है। इसको लेके हमारे जनपद मथुरा के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जो यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हिस्सा लेंगे और पहले भी मथुरा का नाम रोशन करते रहे हैं, आज उनको सम्मानित भी करा है। साथ ही साथ इस मशाल के साथ आज हमारे शहर के भी कई कॉलेज जुड़ेंगे। कई कॉलेज में जो बच्चे अलग अलग खेलों में दिलचस्पी लेते हैं उनको प्रोत्साहित करने का मकसद है, जिससे आगे चलकर वो भी अलग अलग खेलों में हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। इसी को लेके एक छोटी सी मशाल रैली होगी और साथ ही साथ सभी कॉलेजेस में अलग अलग आयोजन आज करे जाएंगे। पूरे कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित कर सकें, उन्हें प्रेरित कर सकें कि खेलों के माध्यम से भी एक अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है, अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करा जा सकता है। सर, क्या संदेश मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सरकार का भी जोर खेलों के प्रति बहुत रहता है, खेलो इंडिया योजना के माध्यम से भी रहता है, और वो बच्चे भी अब आजकल वह समय नहीं रहा कि सिर्फ पढ़ाई के ही क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, खेलों के क्षेत्र में भी कई सीमाएं अब खुल गई हैं। तो बच्चों को कम से कम एक खेल में ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, उसको जितना अच्छा खेल सके, प्रारंभ से ही अगर बेहतर कोच मिल सके, स्कूल्स और कॉलेजेस को भी इसमें आगे बढ़कर आना चाहिए, अपने पढ़ाई के साथ साथ खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे आगे बढ़ के बच्चे देश के लिए मेडल्स ला सकें और अच्छा कार्य करें। सर, खेलों के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए आपके द्वारा कुछ दिशा निर्देश क्रीड़ा अभियान को लगातार हम लोग अभी भी देख रहे थे जब हम लोग सम्मानित कर रहे थे कि महिला खिलाड़ियों की प्रतिभागिता बढ़ रही है और स्कूलों में भी अगर हम गर्ल्स कॉलेजेस की बात करें वहाँ पे भी विशेष इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि महिलाओं से संबंधित जो भी हमारे खेल हैं उनमें हमारी लड़कियाँ आगे बढ़कर आएं और उसमें दिलचस्पी लें और उसमें आगे बढ़ें। उस सूची में बहुत सारी खामियां हैं, फर्जी यूडाइस पोर्टल के जरिए बच्चों को एडमिशन दिलाया जा रहा है और स्कूलों ने आपके पास भी जब शिकायत की, वीडियो साहब के पास भी शिकायत आई है, उनका यह आरोप है कि ऐसे लोगों के एडमिशन लिए जा रहे हैं जो कहीं से भी गरीब नज़र नहीं आते हैं। तो ये बात आपने मेरे संज्ञान में लाई है, इसकी जांच करा ली जाएगी आपने जो कहा है, और ये देखा जाएगा कि योजना के हिसाब से ही एडमिशन।